नमस्कार, क्या आपको प्रीमैच्योर इजाकुलेशन हो रहा है, या तो फिर सेक्स करने की एकदम इच्छा नहीं है, या तो फिर बहुत ज़्यादा कामुकता में है, या तो फिर आपको अंदर में अगर सेक्स करने की इच्छा नहीं है, प्रीमैच्योर इजाकुलेशन है, तो जाहिर सी बात है कि आप में डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। अगर ऐसा कंडीशन है, डिप्रेशन है, तो फिर आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी कोई काम में रहेगा नहीं। अगर ये चारों आप में हो रहा है, उसके साथ नाइट फॉल्स हो रहा है, वो भी कब, जब शादी करने के बाद भी और पहले भी, ये अगर प्रॉब्लम हो रहा है, स्पर्माटोरिया हो रहा है, सीमेंट का उसमें स्पर्म का कमी हो रहा है, हार्मोन का, मेल हार्मोन का कमी हो रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहते हैं आप में, उसके वजह से भी सेक्स डिजायर आप में नहीं हो रहा है, या तो फिर एकदम से इम्पोर्टेंस भी आप में अंदर हावी हो रहा है। तो अगर ये सारे चीज़ आप में अगर हो रहा है, या तो ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी को थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, अगर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देख के जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो इंसाइट माई यूट्यूब चैनल। और क्या कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। और वीडियो चलते चलते अगर आपको लगे कि नहीं, ये वीडियो तो थोड़ा बहुत अच्छा है, काम में आया है, तो फिर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा काम में आया, अगर लगे कि नहीं फ्यूचर में भी कोई वीडियो आएगा जो आपके लिए अच्छा होगा, अगर ऐसे उम्मीद करते हैं या तो फिर मानते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है, एक ही दवा है उसमें इतना सारा फीचर्स कंपनी का दवा है कि ठीक कर देते हैं। जैसे कि SBL का डेमिग्रा फोर्ट, पहले डामियाग्रा आता था, अभी फोर्ट में आ रहा है, छवि दे दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, एक्चुअली इसको इतना सारे सिम्टम में खा सकते हैं, कैसे कैसे आप बता रहे हैं, लेकिन किसको नहीं खाना चाहिए, एक चीज़ है बहुत ज़्यादा, वो पर्सनली मेरे मैंने हम उसको बताते हैं, कंपनी चाहे कुछ बताएं, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो डिजीज आप में है या दिक्कत है तो फिर इसको एकदम से ना लें। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं इसके संबंध में, मेल पावर में, तो फिर आप डामिया प्लांट जो है स्वाबे का, वो भी देख सकते हैं। मेरा वीडियो है वो आई बटन में जाएगा, देख लीजिए, या तो फिर बीच में लास्ट में दे देंगे आपका एंड स्क्रीन में। और रिक्वेक का R41 भी, उसका भी वीडियो बनाए हैं, और इस दोनों का कॉम्पोजिशन में भी बताए हैं और डिफ्रेंस भी बताए हैं, वो आया जाएगा यहाँ पर, तीनों ही आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहले हम कॉम्पोजिशन बता देते हैं, इस दवा में जो है इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इस कंपनी इसमें क्या मिलाया है। पहले क्या है, डामियाना, जो सब जितना भी आज तक का सेक्सुअल प्रॉब्लम का टॉनिक है या तो फिर दवा है, ये रहेगा ही रहेगा। उसके साथ इसमें दिया है लाइकोपोडियम, एग्नास्कैस्टास, कैलाडियम, सेलेनियम, यम्बिनम एंड एसिडफोस। ये जो छः सात गो मेडिसिन है इसमें मिलाया गया है। इसका क्या क्या फंक्शन है थोड़ा सा बता देते हैं, इसका डोज क्या होगा, किस स्थिति में किसको कितना खाना चाहिए वो भी बताएंगे। देखिए, जो डामियाना है ना, ये खास करके सेक्सुअल डिजायर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसके साथ आपको मूड का भी ठीक कर देते हैं। कोई कोई बोलता है ना, सर हमको एकदम सेक्स करने का, यंग है फिर भी सेक्स करने का इच्छा नहीं है, तो उस स्थिति में ये दवा तो आपके लिए बहुत काम करेगा। क्वेश्चन अतः इंटरकोर्स करने के लिए आपको जागृत करेगा कि नहीं आपको करना चाहिए, आप ही यंग है, तो उस स्थिति में ये दवा तो बहुत काम करता है। जेनिटल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी इंपॉर्टेंट से भी किसी का अगर हो जाता है तो फिर अभी ये ठीक कर देता है। एसिड फॉल्स बहुत अच्छा दवा है, वो भी यंग के लिए, जैसे कि आपको नाइट फॉल्स हो रहा है शादी से पहले या तो फिर शादी के बाद भी अगर होता है। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहते हैं, जो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं या काम करते हैं, मेंटल स्ट्रेस रहता है, उसके वजह से अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी आपको हो रहा है तो पर भी ये दवा आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्या है, पेनिस जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, जब काम करने जाते हैं उसी समय अगर रिलैक्स हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, फैमिली में थोड़ा सा टेंशन भी हो जाता है, तो उस स्थिति में ये दवा भी आपको लिए बहुत काम करता है और स्ट्रांग बना के रखता है। दूसरा स्पर्माटोरिया, वो क्या होता है, स्पर्माटोरिया होता है कि जैसे कि आप थोड़ा सा पेशाब करते हैं या तो फिर स्टूल या पैखाना करने के जा रहे हैं और उसको थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो फिर आपका धात जैसा कुछ चिपचिपापन निकल के आता है या तो फिर स्पर्म सीमेंट भी निकल के आ जाता है, तो उसी को स्पर्माटोरिया रहता है, उसके वजह से भी आप बहुत दुखी रहते हैं और डिप्रेस भी रहते हैं और वीकनेस भी रहते हैं, तो ये एसिड फॉल्स आपको ठीक कर देता है, यंग एज में बहुत ज़्यादा ही काम में ये देता है। एग्नास्कास्टास, ये तो
क्विक इजैकुलेशन का मास्टर दवा है, जैसे कि ड्यू टू टेंशन, अगर टेंशन के वजह से अगर कोई माइंड में टेंशन हो, परेशानी हो, डिप्रेशन हो, उसके वजह से आप सेक्सुअल करने भी जाते हैं तो फिर क्विक इजैकुलेशन अगर हो जाता है तो पर भी ये दवा तो बहुत ज़्यादा आपको काम में आता है और आपको डिजायर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। किस कभी कभी कोई शिकायत आता है, सर डिजायर तो मेरा ठीक है लेकिन जब जाते हैं तो फिर बहुत कम मात्रा में हमको सीमन निकलता है या तो फिर बीज निकलता है, तो उस स्थिति को भी ये ठीक कर देता है और जितना निकलना चाहिए, जितना बनना चाहिए उतना ठीक कर देता है। कैलाडियम, कैलाडियम तो ऐसे ही माना जाता है कि स्पेशली फॉर सेक्सुअल टॉनिक बताया जाता है इसको, वही टॉनिक के रूप में काम करता है। ये एक ही मेडिसिन है जो टॉनिक एकदम भरपूर मात्रा में इसको इस जो है इसमें पोटेंसी वो काम में आता है। उसके बाद से इम्पोटेंसी हो, स्पर्मेट्रिया हो, नाइट फॉल्स हो, वीकनेस हो, सबको ही कवर कर ही लेता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ओल्ड एज में हो तो बहुत ज़्यादा काम में आता है। दूसरा है यमिनम, ये क्या है, सेक्सुअली लिबिडो बूस्टर इसको बोला जाता है, मतलब सेक्सुअली जितना भी प्रॉब्लम हो और आपको कोई इच्छा नहीं हो, जितना भी कुछ कर लें लेकिन सेक्स को माइंड में आ ही नहीं रहा है, फिजिकली भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये आपको लिए बहुत अच्छा दवा है और फिर इसको डिजायर भी आपको बढ़ा देता है। लास्ट में जो है लाइकोपोडियम, मेरा तो बहुत फेवरेट दवा है, ये क्या करता है, थोड़ा सा यंग और थोड़ा सा ओल्ड एज दोनों के ही काम में आता है, और उसके साथ अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो, एसिडिटी हो रहा हो, हाइपर एसिडिटी हो रहा हो, उसके साथ अगर सेक्सुअली प्रॉब्लम आपको हो रहा हो तो ये मेडिसिन 100% आपको काम में आता है। सेलेनियम, सेलेनियम बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिसिन कब है, जब आपको शिकायत ऐसा होगा कि सर मेरा बाकी तो सब ठीक है लेकिन मेरा जो है धात, मतलब जो सीमेन आ रहा है, जो बीज है ना, बहुत पतला हो रहा है सर, थोड़ा सा ऐसे ही चलने बुलने में ड्रॉप 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 जैसा थोड़ा थोड़ा निकल भी जाता है अपने आप और हमको धूप एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, तो उस स्थिति में भी ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो ये तो था कॉम्बिनेशन में इतना सारा काम तो आपको हो ही जाएगा, जितना हम बोलें उतना भी काम करेगा। दूसरा, किसको नहीं लेना चाहिए, उसके बाद भी एक चीज़ और बताते हैं इस दवा में, हम बताते हैं कि अगर किसी का स्पर्म काउंट कम है, मान ली शादी किए हैं उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा है, तो किसी का भी वजह से हो रहा है लेकिन मेल का अगर स्पर्म काउंट कम है तो ये दवा कुछ हद तक ठीक कर ही देता है, लेकिन इससे पहले R1 जो बताए थे उसमें और सारा अच्छा काम करता था, उसको भी थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा डिटेल्स में तो आपको लिए बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, देखिए अगर सेक्सुअली मेल का तो ऐसे ही सेक्स तो बढ़ नहीं जाता है, सेक्स का इच्छा ऐसे ही नहीं होता है, उसमें उसके लिए शरीर से जो हार्मोन रहता है वो हार्मोन अपना टाइम में काम करता है और आपको इच्छा जागृत करता है कि नहीं इस टाइम में आपको ऐसा करना चाहिए, तो अगर वही हार्मोन ही आपके अंदर में कम हो तो पर भी ये दवा खाने से आपको ठीक कर देता है, ये कंपनी का दवा है। जनरली इसको अगर देखिए प्राइस लिस्ट कितना है तो 330-340 के भीतर आपको मिल जाएगा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये है एकदम इंडियन प्रोडक्ट, हम लोग का देसी प्रोडक्ट है और बाकी जितना भी है वो विदेशी है, किसी किसी का विदेशी भारसन और देसी कंपनी बना रहा है ये भी है, लेकिन ये एकदम खास करके प्योर एकदम शुद्ध आपका इंडियन प्रोडक्ट है, 30 ml पैक में आता ही है। तो किसको नहीं खाना चाहिए सबसे पहले सुन लीजिए, देखिए अगर आपको डायग्नोसिस हुआ है कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या तो फिर बहुत ज़्यादा बीपी रहता है तो कोशिश कीजिए इसको बिना डॉक्टर के दिखाइए आप अपने आप से मत खाइए, एक चीज़ इसको मत खाइए, बाकी हर स्थिति में इसको ले सकते हैं, इतना अगर प्रॉब्लम है तो उम्मीद करते हैं कि ठीक कर ही देगा, कंपनी कैसा दवा है। दूसरा बात, कैसे खाइएगा, देखिए अगर आप यंग है मतलब 18 से ऊपर है और 30 से नीचे है तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा 20 बूंद से 25 बूंद तक 1/4 कप पानी में गुनगुना गर्म होगा तो थोड़ा अच्छा है, समूचे दिन में पहले पहले 4 बार खाइए, उसके बाद से धीरे 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 धीरे, मैं एक सप्ताह तक चार बार खा लीजिए, उसके बाद से 3 बार तक खाइए और 2-3 महीना तक खाइए, उसके बाद बंद कर देना चाहिए, रेगुलर नहीं खाना चाहिए, उसके बाद 1-2 महीना गैप करके फिर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर अगर खाइएगा तो उसका जो जिसका एक्शन है काम है तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर थोड़ा ओल्ड एज में है आप, मान लीजिए 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 के भीतर या 65 है ऐसा भी, तो उस स्थिति में इसको थोड़ा सा डोज बढ़ा देना है, 30 ड्रॉप लेकर के वही 1/4 कप पानी में, थोड़ा सा गुनगुना होगा तो अच्छा होगा, उसको पहले सप्ताह में 4 बार खाइए, उसके बाद से 3 बार करके लीजिए 1 महीना तक, उसके बाद फिर वही 20 ड्रॉप्स करके उसको 2-3 महीना तक लेते रहिए, उसके बाद गैप कर दीजिए दो महीना या 1 महीना, फिर उसको चालू कीजिए तो अच्छा है। लेकिन मेरा पर्सनली कहना है ये है
ये तो पैटर्न रूप में है, लेकिन आपको अगर कंप्लीट ठीक करना है कोई भी डिजीज को, खास करके मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम को, तो फिर आपको कोई होम्योपैथी डॉक्टर का पास जाना चाहिए और एकदम परफेक्ट क्रॉनिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके साथ बहुत सारा मेडिसिन आता ही है, तो उस मेडिसिन के साथ अगर इसको ले लेते हैं, या तो फिर इसको नहीं भी लेते हैं, अगर क्रॉनिक मेडिसिन आपको मिल जाता है कोई डॉक्टर अच्छा से दे देता है, तो आपको परमानेंट क्योर हो जाएगा। इस सबसे आपको परमानेंट क्योर होगा, ये तो हम दवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई आपको बीमारी नहीं है तो अगर लीजिएगा तो थोड़ा बहुत राहत आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। और कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आपको आंसर देंगे, जैसे कि सबको देते हैं आपको भी देंगे। थैंक यू।